हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग विद राज, जहां पर मैं करता हूं स्टॉक एनालिसिस और आपको बताता हूं कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। न्यूज है, कडिला हेल्थकेयर शेयर प्राइस जूम्स 8% आफ्टर DCGI अप्रूव्स नीडल फ्री COVID-19 वैक्सीन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जायदस कैडिला, दैट इज कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या पता चलता है, इसके फंडामेंटल कैसी हैं, क्या है, कैसे हैं टेक्निकल, जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न इसमें बना सकते हैं या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट में, कैडिला हेल्थ केयर जो है ये बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बेसिकली दोस्तों, कैडिला हेल्थ केयर जो है ये एंगेज होती है रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इंटरनेशनली। ये जो है फिनिश डोसेज ह्यूमन फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें हम जेनेरिक्स, ब्रांडेड जेनेरिक्स, स्पेशलिटी फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग बायोसिमिलर्स एंड वैक्सीन्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर वेलनेस प्रोडक्ट्स होती है। कंपनी जो है दोस्तों प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स इन वेलनेस प्रोडक्ट्स, थेरापेटिक एरियाज के पेन ऑफ मैनेजमेंट, न्यूरोलॉजी, लिवर डिसीजेज एंड अदर एरियाज। इट ऑल्सो ऑफर्स कंज्यूमर वेलनेस प्रोडक्ट्स सच एज शुगर फ्री एंड शुगर लाइट, कॉम्प्लान, एवर यूथ, ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम आपने सुने होंगे डेफिनेटली, आपने इनकी एड्स वगैरह भी देखी होगी। नाइसिल एक जो है मैंने देखा है वो प्रोडक्ट के बारे में, ग्लूकोज डी, ग्लूकॉन डी ग्लूकोज पाउडर, संप्रीति घी, न्यूट्रलाइट, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों ये जो है कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद आप एक हम लोग नज़र डालते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसी हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 548 बिलियन रुपीज़ का है, वहीं रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 156 बिलियन रुपीज़ का है। कंपनी फिलहाल प्रॉफिटेबल है और फ्लॉलेस बैलेंस शीट है, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड भी है और डिविडेंड भी पे करती है दोस्तों कंपनी। अब वैल्यूएशन में देखें दोस्तों, तो कम से कम इंट्रेंसिक वैल्यू जो है कंपनी की 276 है, वहीं करंट मार्केट प्राइस 534 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी जो है थोड़ी ओवर वैल्यूड है एज इन टर्म्स ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू। वहीं पी रेशियो की बात करूं दोस्तों, तो पी रेशियो कंपनी का जो है वो 24.2x है और इंडस्ट्री एंड मार्केट का 23.8x है, 19.6x, तो कहीं ना कहीं पी के हिसाब से भी थोड़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है, स्लाइटली अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है। वहीं अगर दोस्तों मैं पी वी रेशियो की बात करूं, तो पी वी रेशियो में 4.2x कंपनी का है, इंडस्ट्री का 2.8x है, तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ पी वी रेशियो। वहीं पी जी रेशियो जो है दोस्तों कंपनी का -13x है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी की जो फ्यूचर फॉरकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से जो कंपनी की पी जी रेशियो है वो -13x है दोस्तों। अब दोस्तों फ्यूचर की बात करते हैं, तो कंपनी का ऐसा फ्यूचर फोरकास्ट हुआ है जो कि किसी रिसर्च एनालिस्ट ने किए हैं, काफ़ी सारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, उन्होंने फोरकास्ट किया कि कंपनी का जो फ्यूचर ROE है वो 14.8% रहेगा, जो कि इंडस्ट्री से कम है और 20% से भी कम है, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर ROE है वो थोड़ा कम रहने वाला है कंपनी का, ऐसा फोरकास्ट हुआ है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर ग्रोथ अर्निंग्स की बात करूं, तो अर्निंग्स जो है वो फोरकास्ट हुई है कि डिक्लाइन होगी अगले नेक्स्ट 3 ईयर में -1.9% से, जो कि कहीं ना कहीं वरीसम है। उसके बाद जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों कंपनी का, वो भी जो है ग्रो करेगा 7.4% से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है और कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री से और मार्केट से कम है, इसी वजह से ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट मुझे नज़र आ रहा है कंपनी की फॉरकास्ट में। अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो करंट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी के 14.5% है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी और इस बार काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट मार्जिन में। दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, तो जो कि 15.6% है कंपनी का, वहीं इंडस्ट्री का जो है 15.6% है, तो लगभग सेम है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, बट कहीं ना कहीं थोड़ा कम है ओवरऑल मार्केट के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि 20% में अगर ज़्यादा ROE होता तो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है इसे, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये डेफिनेटली इसमें ग्रोथ करेंगे। वहीं दोस्तों अगर अर्निंग्स ग्रोथ की बात करो, तो यहाँ पर हमें पास्ट 5 ईयर्स का जो एनुअल अर्निंग ग्रोथ का एवरेज है वो है 6.2% कंपनी का, जो कि इंडस्ट्री एंड मार्केट से काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर में इनकी अर्निंग्स ग्रोथ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 70.3% है लास्ट ईयर का इनका अर्निंग्स ग्रोथ, और वहीं इंडस्ट्री और मार्केट का लगभग 35% है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये एक्सीड कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर ROE ROCE की बात करूँ, तो कंपनी का ROE जो 9.8% है, जो कि इंडस्ट्री से स्लाइटली कम है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा ROE
लोए माना जाता है इसे। वहीं आरओसी की बात करें तो लास्ट ईयर का 17.2% था, लेकिन 3 ईयर्स अगो ये 22.3% है। मतलब कहीं ना कहीं आरओसी में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस। अब दोस्तों कंपनी के डेट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 30.9% का है, जो कि इन्होंने रिड्यूस किया है लास्ट 5 ईयर्स में 38.4% से 30.9% पे लेकर आए हैं। डेट कवरेज जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से वेल कवर्ड है, जो कि 71.4% है। और इंटरेस्ट कवरेज जो है वो भी बढ़िया है, एबिट से कवरेज उसका अच्छा है, जो कि 39.8x है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों कंपनी का 0.65% का है, जो कि उतना खास डिविडेंड माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी कंपनी जो है रेगुलरली स्टेबल तरीके से आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है दोस्तों लगभग 75% का रहा है और कंसिस्टेंट है पिछले 2 साल से। वहीं पर अगर FIIs की आप होल्डिंग्स देखें तो FIIs की होल्डिंग्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ी है, लेकिन जो जून क्वार्टर है उसके अंदर FIIs की होल्डिंग में लगभग 0.5% का डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं DIIs की होल्डिंग तो कंटिन्यूसली मार्च 2020 के बाद से ये गिर रही है, अभी फिलहाल 10.6% पे है, वही मार्च 2020 में 13.0% पे था। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रही है दोस्तों। यहाँ पर एक वही करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली मतलब इनसाइडर की सेलिंग हुई है पिछले 3 मंथ्स में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वरी करता है। तो सब जानते हैं हम लोग इसके टेक्निकल्स के बारे में कि टेक्निकल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इस कंपनी के, और टेक्निकल चार्ट क्या बोलते हैं हमें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसा ये आगे जा सकता है या नीचे जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये वीकली चार्ट है कंपनी का, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मुझे सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है मुझे वो नज़र आ रहा है 515 का। ये जो है मुझे थोड़ा वीक सपोर्ट नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये शायद ये ब्रेक करेगा। हालांकि न्यूज़ की वजह से आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। वहीं दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, 2 चीज़ और चांसेस हैं, ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये 515 के पास सपोर्ट लेगा और यहाँ से ये बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकता है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ इफेक्ट, या फिर ये उसे ब्रेक करके वापस नीचे 417 के करीब आ सकता है। अगर 417 पे आएगा वहाँ सपोर्ट लेगा, वो मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है, वहाँ से तो डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 417 का जो 517 का जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं ब्रेक होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अभी अपने को एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर काफ़ी इनसाइडर सेलिंग हुई है, फ्यूचर फॉरकास्ट जो है वो भी उतने कुछ खास नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करूँगा क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस स्टॉक में। तो अगर आपको किसी को इन्वेस्ट करना है इसके अंदर तो मैं अगर यहाँ पर होता तो क्या करता मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता 519 के करीब थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करता, अगर वो स्टॉक 519 से रिवर्स हो जाता और ऊपर की तरफ जाता तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वहाँ से चांसेस मुझे जो कि ज़्यादा दिख रहे हैं नीचे आने के, मुझे लगता है कि ये 400 डेफिनेटली पास आएगा 400 के पास, तो वहाँ पर आप जो है उसमें लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं चाहूँगा कि मैं लमसम में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मुझे फिलहाल यही लगता है कि ये 417 जो है ये बेसिकली ये एक प्राइस है जहाँ पर हम अच्छे से मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों।